कि अगर आज ये नियम अगर लागू हो गया ना तो आने वाले जितने भी बीपीएससी का एग्जाम होगा हर एग्जाम में यही रूल फॉलो किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपको कोई रूल लाना है तो बच्चों के सामने आइए और क्लियर रूप से पहले बताइए कि परसेंटेज क्या है, नियम को समझाइए। उन्होंने बिना बताए बिना समझाए डायरेक्ट ही लागू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब बच्चों को पता ही नहीं कि परसेंटेज क्या होता है। इनका कहना यह है कि 3 लाख बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उनको पहले बताना चाहिए ये चीज क्लियर रूप से कि किस तरह से परसेंटेज वर्क करेगा और कितना परसेंटेज किस बच्चे को मिलेगा। अब जैसे 800 सीट में से इनका कहना है कि 20 तारीख को हम जो एग्जाम लेंगे वो 3 लाख बच्चों का लेंगे, 22 तारीख को जो एग्जाम लेंगे वो 3 लाख बच्चों का लेंगे, तो दोनों का अलग अलग परसेंटाइल आप निकाल रहे हैं। लेकिन फिर दोनों को मर्ज कैसे कीजिएगा ये उन्होंने बताया ही नहीं। जब एक बात ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताइए, जब पहले आज से पहले इतने साल से बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, हमेशा आज तक किसी भी सिविल सर्विस में सुने कि परसेंटाइल का नियम लाया गया है, किसी में भी नहीं। सिविल सर्विस यूपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, हर एग्जाम में रैंक के हिसाब से, लेकिन परसेंटाइल सिस्टम कभी नहीं लाया गया। ये पहली बार है। अगर आपको लाना है तो आप पहले पारित कराइए, पारित भी नहीं कराए और डायरेक्ट आप लागू कर दे रहे, यहाँ तक बच्चों को बता तक नहीं रहे। जब विज्ञापन जारी हुआ था 67वीं का, तो आप लोगों को बताया गया था ये सब या फिर नहीं बताया गया था? अचानक से लागू हुआ, ये पेपर लीक होने के बाद का मामला है। अगर पहले होता ना, अगर विज्ञापन के साथ ही बताया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। एक बार जैसे मेरी बात को समझिए आप, एग्जाम हो चुका है, एग्जाम होने के बाद पेपर लीक कहीं ना कहीं से हुआ था, इस वजह से दोबारा एग्जाम दिया जा रहा था, इस बीच में ये नियम को लाया गया, तो ये नियम कहीं ना कहीं गलत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अतुल प्रसाद जी का जो नियम सराहनीय है उनको हम लोग बिल्कुल मानते हैं। जैसे कि ये कि 1 घंटे पहले वो बोल रहे हैं कि बच्चे को इंटरव्यू क्लोज कर दिया जाएगा, 15 मिनट बाद तक रहना है, ये सब बिल्कुल सराहनीय नियम है उनका, बिल्कुल हम लोग इसके लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं उनका, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और एक बात और, अब जैसे कि पहले कभी भी बीपीएससी में पीटी के बाद मेंस के लिए आपको ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने ये नियम को मिला लिया, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन अब जो सही है उसको सही बोलेंगे और जो गलत है उसको गलत तो बोलेंगे। छात्र कह रहे हैं आंदोलन बड़े लेवल पे करेंगे, आंदोलन देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे, आज बस एक दिन का हम लोग समय निकाल के आए हैं, लाइब्रेरी से हम लोग पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं पूरे पूरे 12-14, 15-15 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, 1 घंटे का समय निकाल के आए हैं। अगर ये मान जाएंगे हमारी बात को, अब जैसे दिलीप जी गए हैं अंदर बात करने के लिए, अगर वो कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। जो हम लोग का, क्योंकि आप सर पे एग्जाम है ना, आप यहाँ से देख लीजिए 1 महीना भी नहीं बचा है, पढ़ेंगे कब हम लोग? तो अभी रिवीजन का टाइम है, हम लोग बड़े से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो बीपीएससी का जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो यहाँ पे कार्यालय है, इसके बाहर कुछ अभ्यर्थी जो स्टूडेंट इस साल परीक्षा दिए थे जिसमें पेपर लीक हुआ था 67वीं में, फिर से पुनः इस परीक्षा को कराया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग नियम लाए गए हैं, कुछ अलग शर्त ला दी गई है जिसका विरोध हो रहा है, परसेंटाइज का हो रहा है और 2 शिफ्ट में जो परीक्षा होना है इसका विरोध हो रहा है। बाकी आपकी जो मन में बातें हो, जो आप इस नए नियम को लेकर सोच रहे हो, जो भी स्टूडेंट, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।